जब मैं इस फील्ड में गई थी ज़रूरत के लिए गई थी वो ज़रूरत फिर पूरे ख़ानदान की जरूरत बन गई क्योंकि आपको पता है जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके पीछे उनकी पूरी पूरी फैमिली खाने वाले प्रोड्यूसर्स तो हैं मैं खुलेआम कहती हूँ मुझे नहीं लगता है कि कोई इस लाइक है कि वो सखी साहब का मुकाबला कर सके छोटे छोटे सखी सर्वर तो बहुत बनते हैं लेकिन उन जैसा कोई है कि हम लोगों ने जो बहुत कुछ छुपाया होता है ये सारा कुछ बड़ी मोहब्बत से निकलवा लेती हैं निकलवाती हैं ना आपका शादी के बारे में क्या है याद आया शादी सच्ची सच्ची बता देखो अब शादी जो मैंने वो कर ली है विकी साहब मैंने आपके साथ बहुत ड्रामे किए ये आप ही जानते हैं ये हमारी सीनियर आर्टिस्ट है ठीक है अगर हम जूनियर्स या सीनियर्स ये भी एक साइड पे कर दे हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा जी ओके आप परसों कॉल करें मैं आ जाऊंगा बहुत सारे और आर्टिस्टों को भी आपने कॉलो ये बहुत बुरी बात बहुत बुरी बात अल्लाह ने आपको दी अल्लाह आपको और दे असलमकूम प्यारे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती रहती हूँ चाहे कोई आर्टिस्ट हो चाहे कोई सिंगर हो चाहे किसी शोबे से भी हो आप इस चैनल पे ऐसे ऐसे फ़नकारों से मिलते हैं जो कहीं कहीं नज़र आते हैं काम करते हों या ना करते हों लेकिन आप दुलदाना रहमान ऑफिशियल पे उनको देख सकते हैं आज हमारे पाकिस्तान की एक बहुत प्यारी अदाकारा, बहुत अच्छी परफॉर्मर और माशा कद्दावर और बड़ी वो क्या कहते हैं सख्त टाइप भी और खुश इखलाक भी और बहुत सारे मिजाज उनके हैं उनसे मैं आपका तारुफ़ करा रही हूँ तारुफ़ तो आपका खैर है उनसे आपकी मुलाकात करवा रही हूँ जी अभी बात करते हैं गुलनाज साहबा से असल जी वालेकुम असल जी गुल जी कैसे हैं आप अलहमदिल्ला मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं मैं आपको जितने सालों के बाद भी देखूँ आप माशाला उसी तरह खूबसूरत हसीन ये क्या खाती हैं क्या चक्कर है बस जो आप पहले बताए ना आपको माशा जब से मैं देख रही हूँ आप इतनी खूबसूरत इतनी हसीन इतनी नुरानी है आप क्या करती हैं मैं तो आप लोगों से प्यार करती हूँ आप प्यार की नज़र से देखते हैं तो इसलिए मैं आपको प्यारी लगती हूँ अच्छा गुल जी जी आपने माशा बहुत दफ़ा फील्ड में काम किया जी ठीक है और यहाँ पे ऐसा होता है कि जो एक दफ़ा आउट हो के दोबारा इन हो उसे कामयाबी नहीं मिलती ऐसे ठीक है बिल्कुल आप माशाल्लाह जब भी आती हैं माशाल्लाह दबंग करके छा जाती हैं ठीक है आपका डांस आपका कर्द आपकी ड्रेसिंग आपका ये क्या आप चक्कर है आप एकदम गायब हो जाती हैं फिर चुपके से निकल आती हैं ये बताएं मुझे लोग भी ये चाहते हैं कि इनसे ये पूछा जाए ये काम करते करते गायब कहाँ होती हैं आ, इसका रीज़न मेरा हाल आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता क्योंकि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सब कुछ जानती हैं मेरी शो बिजनेस की लाइफ के बारे में भी सब कुछ जानती हैं एक्चुअली भाजी मैं मुझे लगता है कि मैं थिएटर की हूँ ही नहीं बल्कि मैं थिएटर की थी ही नहीं कभी सो so, मैं थिएटर में गई काम किया और जब मुझे लगता है ना कि यार बस अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है यानी कि आ, हर बंदा एक ही नज़र से आपको देख रहा है वो ड्रामा देखने वाला है वो प्रोड्यूसर्स हैं वो असिस्टेंट है एवरीथिंग हर बंदा आपको एक ही नज़र से देखता है फिर मैं घबरा जाती थी अच्छा, फिर मैं वापस भाग जाती थी अच्छा। उसके बाद ये होता था कि चार पाँच छः साल जो मेरे पास सेविंग होती थी गोल्ड हो गया जो भी है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको सेल आउट करके वो मैं खाती थी अच्छा और उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता था फिर मैं वापस जाती थी अच्छा मुझे और कोई काम करना नहीं आता इसके अलावा हाँ। तो लेकिन लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं हमेशा जब भी आप आई हैं लोगों ने आपको वेलकम किया आपका काम भी अच्छा होता है बड़ी खुश आ, मतलब रहती हैं आप स्टेज पे हंसना बोलना ऑडियंस आपके साथ बड़ी मिक्सअप रहती है और ऑडियंस से आप बातें शें भी करती रहती हैं तो ये सारा कुछ होने के बावजूद कितना आप जमा कर लेती हैं जो आप जाके दो तीन साल के लिए <laughs> खा के तो फिर वापस आती हैं इसके बारे में बताए बात पता क्या है ये तो अल्लाह की देन है ना मतलब काम से अल्लाह में इतना दे देता था और उसमें से जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी होके बाकी आ, सेविंग हो जाती थी साइड पे और जब मैं देखती थी कि अब ये लोग मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं तो फिर मैं वापस आती थी काम छोड़ देती थी उसे खाया फिर घुस गए फिर यानी आपको थिएटर का उन लोगों का टेम्परामेंट उनके साथ आपका नहीं मिलता जेन नहीं मिलता ठीक है ना आ, लेकिन वक्त आप शहरत या दौलत के लिए काम करती हैं यही मतलब हुआ ना इसका तो आ, जब मैं इस फील्ड में गई थी जरूरत के लिए गई थी वो जरूरत फिर पूरे खानदान की जरूरत बन गई क्योंकि आपको पता है जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके पीछे उनकी पूरी पूरी फैमिली खाने वाली होती है बिल्कुल सो ये जो लोग हैं इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें मुनाफ्त बहुत ज्यादा है ये आप सोच लें बड़ा आना है आपने मुझे कोई टेंशन नहीं है मुझे कोई डर नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे पता है मैंने आना है मैंने काम करना है लेकिन जो सच है मैं उसको नहीं बिल्कुल सच बताना चाहिए बिल्कुल सही बहुत बिल्कुल कम सही। लोग हैं शो बिजनेस में ऐसे जिन जो मेरे दोस्त हैं मतलब जैसे आप हैं आप मेरी बाजी हैं लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है लास्ट की बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरह आशा चौधरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है लैलस दिक्की मेरी बेस्ट फ्रेंड है मतलब और बाकी जितनी भी मैडम नरगिस है उनके साथ बहुत ज्यादा काम किया मैंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम इन लोगों के आप तब दोस्त हो जब आप आउट हो जाते हो तो हम उन्हें नहीं जानते हो हमें नहीं जानते बिल्कुल तो ये दोस्ती में तो नहीं आता ना अच्छा गुल जी आप मुझे ये बताएं कि आप दोबारा जियो पे आ रही हैं जी मुझे पता चला है मैंने सुना है कि आपने बड़ा अच्छा किस्म का उधर रोल किया है तो क्या आपको लग रहा है कि आप टीवी के लिए हैं या थिएटर के लिए या कोई फिल्म की ऑफर हो के फिल्म के लिए है? आ, मेरी लाइफ में ये है कि जब मैं चल रही होती हूँ ना तो रास्ते में कोई टर्निंग मोड आ जाता है जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया कोई तो आपको स्लो होना पड़ता है इसी तरह मैं काफी देर से फील्ड से कोरोना से थिएटर की हाँ दुनिया से बिल्कुल तो मैं जब ये मुझे ऑफर हुई मुझे ऑफर अच्छी लगी पेमेंट भी अच्छी थी काम भी अच्छा रिस्पेक्ट के साथ आ, काम सो मैंने समझा कि नहीं इसे करना, करना चाहिए, तो मैंने किया ये काम और आपने बड़े दिल दिल से से मैंने, से, पूरी से। आपने उसमें तो आपने सीन को पढ़ा देखा बोला वो सारा आपने मैं उसके गुआहा मुझे दोस्तों बिल्कुल गुलनाज कोई भी काम करती है तो मैं इनके साथ साथ ही होती हूँ बिल्कुल ये सही कह रही है और ये मुझे ही नहीं बल्कि ये जो हमारी बड़ी खूबसूरत सी स्वीट सी मैम है ये मैम जो हैं बहुत सारे आर्टिस्टों को ये बात करती हैं कि नहीं नहीं आपको काम करना चाहिए आप फ्रेश रहेंगे आप फारी क्यों बैठे हैं नहीं नहीं आपको इन होना चाहिए तो मुझे भी इन्होंने पंप कर कर के कर कर के दोबारा इन किया है देखो गुल जब इंसान अपने काम में इतना उलझ जाता है इतना बिज़ी हो जाता है तो वो फजूल हरकतें फजूल बातें चुगलियाँ ये लड़ाइयाँ ये सब छोड़ जाता है जब आप अपने काम में इतने बिज़ी हो चुके हैं कि आपको यही पता मैंने क्या ड्रेस पहनना है मैंने बाल कैसे बनाने हैं मैंने मेकअप कैसा करना है मैंने किसके बारे में क्या बात करनी है करनी है कि नहीं करनी तो ये बातें आपको बहुत सारी बुराइयों से रोकते हैं क्यों ऑडियंस आप बताइएगा मैं गलत तो नहीं कह रही कि इंसान बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है जब बंदा अपने काम में बिजी होता है अच्छा गुल आप मुझे ये बताएं कि इश्क के बारे में कुछ बात बताएं। नहीं नहीं पूछे जो पूछना चाहती है मैं अपने जिंदगी में इश्क हुआ आ, सही बताऊं बाजी मैं ये नहीं कहती कि के मेरी लाइफ में कोई आया नहीं या मुझे कोई ट्रैक्ट नहीं किया लेकिन आ, अक्सर में जब आंखें बंद करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कोई तो ऐसा चेहरा है जो मेरी आंखों के आगे आएगा लेकिन ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं जो मेरी आंखों के आगे आए अच्छा, तो इसमें इस मुझे सच्ची मोहब्बत किसी से अभी तक हुई नहीं। अच्छा अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मेरी आंखें बंद करूँ बंद करें तो आप महसूस करें वो आपके पास है बिल्कुल नहीं है ये मेरा हाल कुछ आप गलत नहीं कर दोस्तों हमारी आज ना इंटरव्यू नहीं है हम लोग आज नेचुरल जो प्रैक्टिकल है जो रियलिटी बेस पे है वो बातें अच्छा गुल तो प्रोडूसरों में सबसे अच्छा प्रोड्यूसर जो आप कहें वाह वो तो फिर एक ही है सखी सर वेरी गुड सखी साहब बहुत अच्छे हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बहुत, बहुत सारे आर्टिस्टों को घर लेके दिए गाड़ियाँ लेके दी ये नहीं कि अपने पास से लेके दिए उनको किस्तों पे लेके कर दिए ताकि आर्टिस्ट को एक मुकाम हो सखी साहब का इस मामले में मैं भी कहूँगी बहुत नाइस इंसान है और गैर वो कहते हैं ना कोई मुतलक या कोई लिंक या कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट आर्टिस्टों से नो अच्छा गुल जी और आप जिंदगी में आगे मज़ीद क्या सोच रही हैं और क्या करना चाह रही हैं और आखिरी ख्वाहिश बताएँ क्या आपकी जब तक इंसान ज़िंदा रहता है ख्वाहिशें तो ख़त्म नहीं होती आखिरी ख्वाहिश तो कोई भी नहीं होती एक ख्वाहिश पूरी हुई दूसरी तैयार दूसरी पूरी हुई तीसरी मैं बिजनेस वन बनना चाहती हूँ अच्छा। मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ यानी ये तो ऑप्शन है। मैं पार्लर बुटीक ऐसा काम करना चाह रही हूँ मैं बिजनेस करना चाहती हूँ तो क्या अब लेकिन आप मशन इतनी खूबसूरत हैं इतनी प्यारी लगती है लोग आपको इतना लाइक करते हैं मेरा हाल इससे बढ़कर और कौन सा बिजनेस है जिसमें आपको नकद कैश जी थैंक यू सो मच मुझ। लोग मुझे प्यार करते हैं मुझे लाइक करते हैं लेकिन कमाना तो खुद ही है ना गाना हाँ। है तो कमाना तो बड़े ना बिल्कुल बाकी आपने प्रोड्यूसर्स की बात की तो मैं एक ही बंदा है जिसके साथ मैं फील्ड में काम करती है जितना भी काम किया मैंने सखी साहब के साथ किया उसके अलावा जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं मैं खुलेआम कहती हूँ मुझे नहीं लगता है कि कोई इस लाइक है कि वो सखी साहब का मुकाबला कर सके छोटे छोटे सखी सर्वर तो बहुत बनते हैं लेकिन उन जैसा कोई नहीं है सखी सरवर सिर्फ एक ही है बेशक। और मैं पर्सनली मेरी लाइफ में जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो दुर्दाना साहिबा हैं आपके साथ तो मैं दिल से प्यार करती हूँ आप मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं तो आपने हमेशा कहा है कि नहीं बुराई के रास्ते में कुछ नहीं रखा कुछ मेहनत नहीं। करो मेहनत करो मेहनत करो बुराई करके बंदा कितना कमा ले नहीं बिल्कुल उसमें बरकत नहीं बरकत नहीं आ, आ, आप और ये चीज़ जब मैं शो बिजनेस में नहीं थी आपने तब मुझे बोली उस चीज को मैंने अपनी समझ लें कि जोर से उसे बांध लिया अपनी पॉकेट में रख लिया उसके बाद फिर मैंने मेहनत ही की वो चीज आपके ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने मुझे समझाया कि बुराई में कुछ नहीं बच्चे पढ़ा सिर्फ काम करो काम करो और आज भी मैंने काम छोड़ दिया मैंने शो बिजनेस छोड़ दिया तब भी आप कहती है नहीं तू वापिस आएगी तेरे हाथ में क्योंकि मेरा हाथ जिंदगी में तीन दफा दिखाया मैंने किसी को वो आप है अब हाथ <laughs> ये पब्लिक फ्रेंड दुरदाना साहबा हाथ बहुत अच्छा देखती है ये बिलीव हाथ लगाती नहीं कर देखती ये जेनुअनली हाथ बहुत अच्छा हैं। मैंने देखती। मैंने किताबें पढ़ी नहीं। जी इन्होंने मेरी लाइफ में तीन दफ़ा मेरा हाथ देखा और जो जो बोला वो सारी मेरी ज़िंदगी में सच हुआ मेरे माइंड में दूर दूर तक नहीं होता जब मैं शो बिजनेस छोड़ती हूँ कि मैंने वापस जाना है ये ज़रा हाथ देखे मैडम हाथ तुमने वापस जाना है कितनी इस दफ़ा प्लीज़ ये बात ना करें नहीं तुमने जाना है तो फिर आपके पाओ के सद के मुझे जाना पड़ता है जाना पड़ता है अब फिर इस दफा मैं आपकी शादी की लाइन देखू नहीं शादी नहीं शादी <laughs> नहीं क्योंकि जब जब मैंने ये भी कहा तो वो भी पूरी हुई है बात नहीं शादी नहीं शादी अच्छा, खत्म मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप शो बिजनेस से रिलेटेड आप पे शो बिजनेस की स्टैंप लगे आप दुनिया की आखिरी भी इबादत हो जाओ आप अच्छे हो जाओ आप सिंसियरली चलो फिर भी घूम फिर के वही चीज़ वही बातें बातेंस से रिलेटेड है ऐते नचन नहीं जाते वो ताने नहीं इस कदर है ना कि वो लाइफ आपकी ना एक घुट जाती है तो मैं समझती हूँ कि जो खातून खुद कमाती है अपनी फैमिली को अफोर्ड करती है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए ठीक है और काम करने वाली जो भी आर्टिस्ट होती है वो चाहे बंदा हो चाहे औरत हो चाहे लड़की हो मेरा खाली सारे घर वाले उस पर जिम्मेदारियां डाल देते हर किस्म की उसको बेचारी को कुछ करना है नहीं करना उसको धक्को धक्की कुछ ना कुछ करना पड़ता लेकिन ये चीज़ है, हमारे अंदर भी तो है ना आप ये देखें कि हमारा कोई भाई बहन हमारे अपने जब किसी डिप्रेशन में होते हैं टेंशन में होते हैं तो हम कहते हैं इसको भी हेल्प कर दे इसको भी हेल्प कर दे ये अल्लाह तला ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है बिल्कुल सही और गुलाज कोई आप अपनी तरफ से कोई ऐसी बात मेरी ऑडियंस से करना चाहें या मुझसे कुछ पूछना चाहें या मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे मेरी मेहनत आप देख रही हैं कि मैं माशा जितनी मेहनत कर रही हूँ कि एक एक दिन में माशा अपने इंटरव्यू भाग दौड़ तो क्या कहेंगी आप मेरी ऑड नहीं माशा मैं आपको जब से जानती हूँ तब से मैंने यही देखा है कि आप बहुत मेहनती हैं मेहनत में आपका तोड़ तो कोई नहीं है कि गर्मी है आपने काम करना है सर्दी है आपने काम करना हम लोग भी करते हैं लेकिन आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता ये एक सच है सेकेंड आपकी जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है जो आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है आप दुनिया की वाहिद एक ऐसी आर्टिस्ट है जिससे कोई आ, मतलब ये नहीं है कि हसद करता है कि अल्लाह इसके पास ये है करते होंगे लोग लेकिन हम जो आपके इर्द गिर्द हैं हम आपने कभी किसी से हसद नहीं की नहीं। आपका कोई दुश्मन नहीं है कोई ख़ातून नहीं है कोई मर्द हजरात नहीं है तो ये चीज़ किसी ने नहीं कमाई कि दुर्दाना रहमान साहिबा अपने घर पे बैठी होती हैं इस सोफ़े पे बैठी होती हैं आपका रिस्क आपके पास चल के आता है आपकी नीयत ठीक है और आपका कोई दुश्मन नहीं है आपकी महालिफ़ कोई है सारी दुनिया आपसे प्यार करती है इसमें कोई कर और जहाँ तक आपके चैनल की बात है वो तो माशाल्लाह बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा इम्प्रमेंट आ रही है उसमें और आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं मैंने जब से मैं मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट इंटरव्यू आपको दिया है हाँ, नहीं इंटरव्यू और मैंने इसको बड़े गुस्से में कल कह दिया मैं क्या तुमने मेरा इंटरव्यू करना कि नहीं करना आज मेरे पास टाइम है कहती है अच्छा बाजी मैं कर देती हूँ तो जाहिर है जब बंदा फील्ड में इन होता है तो फिर उसकी ख्वाहिश भी होती है मैं इंटरव्यू करूँ ये करूँ वो करूँ अब वो भी काम अभी माशाल्लाह दोबारा से इसने जियो से स्टार्ट लिया है और मेरी बहुत सी दुआएं गुलनास के साथ हैं कि अल्लाह इसे कामयाबी से नवाजे और ये चैनल पे ही काम करे क्योंकि चैनल पे जो आर्टिस्ट काम करते हैं उनकी बड़ी रेस्पेक्ट है और अच्छा चैनल मिला है जियो तो इन शाह तो आप बहुत जल्द इनका प्रोग्राम देखेंगे और फिर आप ख़ुद भी बताएंगे तो जब ये ज़रा थोड़ा सा और रनिंग में आ जाएंगे चैनल पे तो फिर इनका एक दफ़ा फिर इंटरव्यू करेंगे कि ये इनमें क्या चेंज आया और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इनका चैनल जो है वो देखें सब्सक्राइब करें इनको फॉलो करें ये बहुत बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ लेके आती हैं ये हमारी पर्सनल लाइफ में जो वो कहते हैं ना तेह पेते, तेह पेते, तेह पेते, कि हम लोगों ने जो बहुत कुछ छिपाया होता है ये सारा कुछ बड़ी मोहब्बत से निकलवा लेती है <laughs> <laughs> निकलवाती है ना हा, हा। अभी मैंने पीछे वो किया था ना एक उसका आलिया चौधरी। जी मैंने देखा था तो मैं बड़ा इंजॉय किया उस इंटरव्यू को मैंने कहा कि मतलब आपसे कोई बच नहीं सकता आपकी मोहब्बत ही ऐसी है आपका प्यार ही ऐसा है कि वो जो अंदर होता है ना वो सारा होता है लेकिन बिल्कुल मैं बड़ी रिस्पेक्ट से मोहब्बत से देखो ना मैंने कभी किसी को अपने चैनल पे कोई ऐसी बात नहीं की कि, कि, कि किसी के इंसल्ट हो चाहे बड़ा स्टार है चाहे छोटा स्टार है मैं उसको वही ऑनर देती हूँ वही इज्जत देती हूँ कि ऑडियंस मेरी जो है वो मुझे बड़ी दाद देते हैं इस बात की कि आप अपने आर्टिस्ट की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि इतना उन्हें अच्छा लगता है तो फिर ये एक बात है कि मैं किसी ना किसी को ले आती हूँ जो आ, लोग नहीं भी अब आप, आप नहीं आती काम नहीं कर रहे लेकिन मैंने आपको भी तैयार कर बिल्कुल ये ये सच है है रात को तो 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 मुझे मुझे ऐसे लगा कि, कि मुझे गन पॉइंट पे कह रही अच्छा नहीं ना सही <laughs> तो आज मैं उठी हूँ तो मैंने जूते हाथ में पकड़े हैं तो मैंने कहा भागो क्योंकि आपको नाराज हम नहीं देख सकते <laughs> नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन ये आप चैनल पे नहीं आप पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हैं कि आप किसी को इंसल्ट नहीं करती सबकी रिस्पेक्ट करती मैं आपसे दो बातें पूछना चाहती जी जरूर जरूर आपका शादी के बारे में क्या है याद आया शादी तो सच्ची सच्ची बता देखो गुलनाज मेरी लाइफ के बारे में तो आप अच्छी तरह जानती मैं सब कुछ अब शादी जो मैंने वो कर ली है तो अब चैनल आब, से? मेरे चैनल से से मेरे मेरी <laughs> शादी है मेरे टिकटॉक से मुझे इश्क है अब मेरी लाइफ ये है और उसके अलावा आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन मेरा इबादत जी जी माशाल्लाह बहुत इबादत गुआ है लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है जैसे कि मुझे नहीं लगता कि मुझे है आ, लेकिन आपको लगता है कि आपको है अरे मुझे इसलिए नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी की दखल अंदाजी नहीं बढ़ा रही सदगे जाऊँ मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से गुजार रही हूँ मेरा जो दिल चाहता है मेरी एक अपनी ज़िंदगी है एक अपना माहौल है मैं किसी को इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देती लेकिन आप मैं अपने दोस्तों में सारी रात बैठती हूँ जब मेरा काम नहीं होता तो एक बंदा मेरे सर पे मुसलत हो जाए ये क्यों बैठे हुए दूसरे इशारे के चीपी। <laughs> नहीं किसी की खैर इतनी जरूरत तो <laughs> नहीं है कि आपको ऐसा <laughs> करे लेकिन न, मैंने ये देखा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो विद मेरे मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं आती कि वो आपको कह सके प्रपोज कर सके <laughs> तो उनमें से भी कभी आपको कोई अट्रैक्ट नहीं किया नहीं मैं नहीं चाहती मुझे कोई प्रपोज करे क्योंकि आज वो प्रपोज करे कल को वो बेजत करे अब मुझे क्या जरूरत है मेरी अच्छी लाइफ गुजर है मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं फील्ड में माशाल्लाह सारे सब लोगों को पता है मेरा सबसे मिलना जुलना है प्यार यार मेरी लाइफ बहुत अच्छी है मैं सुकून से अब देखें ना मेरा दिल चाहे मैं अपना कैमरा उठाती हूँ मैं जहाँ मर्ज़ी चली जाती हूँ मेरा दिल चाहे मैं किसी को बुला के अपना ये सेट लगा हुआ है रहमान ऑफिशियल का इधर मेरा आपको दो बजे को मेरी तरफ आ जाए मैं उसका इंटरव्यू कर लेती हूँ मुझे इन बातों का अब मुझे ये आदत पड़ गई है ये चस्का पड़ गया मुझे ये बहुत अच्छा लगता है तो बाकी ये है कि शादी भी करके देख ली सारा कुछ देख लिया जिंदगी में अब ये दुआ है कि महम रहमान की अच्छी जगह शादी हो महात्मा की अच्छी जगह शादी आमी, हो आमी. और उसके बाद फिर मैं और आज़ादी से काम करूँगी ताकि मेरे पे बडन ना हो गई क्योंकि अभी तो उनके बारे में भी सोचती हूँ महाम लंडन गई हुई है उसकी फिक्र होती है फातमा की फिक्र होती है तो इनशा तला फिर मैं और अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैं और अच्छे तरीके से गाऊँगी इन तीन आप शुरू से ही बहुत अच्छा काम और दिल से करती हैं मेहनत करती हैं आप माशा अच्छा, मैं आपकी बात काट रही हूँ मुझे तो पता है आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं लेकिन मेरी ऑडियंस को आप बताएं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं आपके भाई बहन मतलब मामा का तो अभी आपको पिछले दिनों में इनका इनकी वालदा की डेथ हो गई बड़ा अफसोस है और बड़ा दुख है और बड़ी अच्छी इनकी अम्मी थी मेरा भी बहुत अच्छा उनसे जन्नत में मकाम दे जी मेरी फैमिली में फ्रेंड्स मेरी दो सिस्टर्स हैं एक बड़ी हैं मुझसे एक छोटी हैं और मेरे तीन भाई हैं एक मेरे साथ रहता है दो भाई मेरे जो हैं ये वो फैसलाबाद में रहते हैं तो अभी मौजूदा जो हैं हम फैमिली मेम्बर्स में मेरा भाई मेरी बहन मैं बाकी काम करने वाली और बाकी ये है कि सबसे जो करीब है मेरे वो मैडम हैं बातचीत जी <laughs> मैं तो इसका भाई भी बहन भी अम्मा भी बाबा भी सब कुछ में अच्छा गुल जी आप मुझे ये बताएं आपने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया सीनियर जूनियर के साथ तो आपने इतनी दफ़ा काम भी छोड़ा कभी कोई ऐसी आर्टिस्ट या एक्टर जिस आपको कभी कोई ज़रूरत पड़ी हो तो कोई आपके काम आया कभी या कभी किसी ने पूछा हो जी गुल नाजी को बात कोई जरूरत कोई काम हमें बताएं हम हाजिर हैं नहीं जी बिल्कुल नहीं मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के काम बड़ी मुश्किल से आते हैं तो हम लोगों के क्या काम आने हमारे बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं जी बहुत बहुत अमाउंट ले रहे हैं बड़ा पैसा कमा रहे हैं पहली बात तो ये कि अल्लाह स वक्त ही ना लाए कि हम लोग किसी को कहें ना आपको कहना पड़े ना मुझे बिल्कुल, बिल्कुल अगर मैंने आया है वक्त तो एक दो लोगों को कहा लेकिन वो मेरे काम नहीं आए सो hmm. so, जब भी मांगो अपने अल्लाह की ज़ात से मांगो ये सिर्फ कमा सकते हैं शो ऑफ कर सकते हैं किसी के काम नहीं आ सकते मेरे काम सिर्फ सखी साहब आए आप आई ये दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं मेरी पर्सनल लाइफ में दुलदाना रहमान साहबा सखी सरवर साहब बाकी मैं समझती हूँ कि जितना भी आप इन लोगों के साथ काम कर लें ये लोग कभी आपके काम नहीं आ सकते ये सेल्फिश है बहुत सेल्फिश है मुँह पे कह रही अच्छा गुल ये तो आपने सही बात की है क्योंकि मैंने कई आर्टिस्टों को कहा मेरे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दे दें क्योंकि लोग मुझे नीचे कमेंट्स में लिखते दीजिए फ्ला एक्टर को, को फ्ला वो अगर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इतना वो समझ लिया कि पता नहीं अल्लाह माफ़ करे मैं क्या कमा रही हूँ यूट्यूब से कि मैं हम क्यों इंटरव्यू करें मुंह पे मुझे उन्होंने ये कहा जी हाजिर लेकिन उन्होंने <laughs> इस तरीके से हाजिर कहा है कि वो आगे से हमें पूछे ना तो ये तो देखे जी मैं अगर काम कर रही हूँ मेरा दिल लगा हुआ है चले अगर मेरा घर का सिलसिला चल भी जाता है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि यार हमारी कोई स्टार है आर्टिस्ट है जिसने खुद तीन चार सौ फिल्म में काम किया हुआ तीन चार फिल्में प्रोड्यूस की थिएटर प्रोड्यूस किया ड्रामे प्रोड्यूस किया तो अगर ये हमें कह रही है तो कोई बात नहीं हम दस मिनट की तो बात है सॉरी आपकी बात करती हूँ मैं यहाँ मौजूद थी आपने न सिविकी साहब को कॉल की अगर वो ये प्रोग्राम देखें तो मेरा उनके लिए भी मैसेज है विक्की साहब मैंने आपके साथ बहुत ड्रामे किए ये आप ही जानते हैं ये हमारी सीनियर आर्टिस्ट है ठीक है अगर हम जूनियर्स या सीनियर्स ये भी एक साइड पे कर दें हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा जी ओके आप परसों कॉल करें मैं आ जाऊँगा बहुत सारे और आर्टिस्टों को भी आपने कॉल कर ये बहुत बुरी बात बहुत बुरी बात अल्लाह ने आपको दी अल्लाह आपको और दे बहुत दे

और मेरी ऑडियंस इस बात से भी बहुत खुश होंगे जिनको वो कम देखते हैं चैनल पे आज वो भी आई हैं गुलनाज जी और आपको तो उन्होंने बहुत देखा हुआ है तो दोस्तों मैं इजाज़त चाहूँगी इन ताला मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ और आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा और गुलनाज का ये इंटरव्यू कैसा लगा अगर आपको बहुत अच्छा लग... लगा तो इन शाह तला यकीन हम फिर एक ऐसा छोटा सा और आपके लिए बनाएंगे बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान थैंक यू गुलनास वेलकम